राम जिनके घर में जन्मे किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया, यह प्रबल किस्मत है, यह भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। गया बचपन जान, जवानी गई जाने, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो, बस यही जीवन का एक। और अंत समय आप लोगों को आता है ना, जरा जम के बोलो, जरा अंत समय। वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुम करी, अंत समय प्रभु। और वचन दिया तो, हाँ अंत समय प्रभु। ये अंत समय की, अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को, जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए, भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ,
दोनों लोटों को हाथ में ले हो और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो, दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो दो लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहाँ जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहाँ जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहाँ से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहाँ से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योगी नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लें, तो एक सावन के महीने का नियम, दो लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देव अधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्व, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचान। अब दूसरा क्रम स्मरण करिए। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना, एक एक आया पत्र देखिए,